सिद्दी की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है, पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्दी के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे, हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्दी की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है, जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूँ। अब रानी आ जाती है सिद्दी के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्दी बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर, तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचे पहन लूं। वैसे भी सिद्दी को कौन सा दिन पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्दी पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्दी ससुराल से मायके पहली बार आती है। अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्दी अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, ओ माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्दी की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी ये क्या, ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150-150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओहो 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं? भाभी ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ है? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर वक्त आता है जब सिद्दी ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी अंदर से सिद्दी का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्दी को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्दी के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्दी का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए, अरे पहले दिखा दिया होता, ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी, तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है, वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्दी के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को, यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्दी का फोन आता है। माँ मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्दी के ससुराल पहुँचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्दी की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी बेटी के घर का खाना खा लिया यही बहुत है, जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही है। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है
वो अजीब सी हरे रंग की लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे चीची, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है।